तो दोस्तों, आज हम आपको इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पूर्व पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। देखिए, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता फ्रीडम कब प्राप्त की? 1945 में प्राप्त की। फ्रांसीसी सेना में वियतनाम में उतरी, किस सन को फ्रांसीसी सेना वियतनाम में उतरी थी? 1958 में। कौन सा देश इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है? कौन सा देश नहीं कहलाता इंडो चाइना में? म्यांमार, द वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सभी इंडो चाइना कहलाते हैं। वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? चीन का पड़ा था गहरा प्रभाव। उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया था? बहुत छोटा सा आंसर है, ये स्थानीय लोगों की भलाई सुनिश्चित करने का कोई उद्देश्य नहीं था, साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। और टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? टोकिन फ्री स्कूल 1907 में। हो वाह आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हो यहाँ भी हो हुए हुइन फुसो। यात्रा शिविर किन्हें कहा जाता था? स्थानीय लोगों को यात्रा देने का शिविर, स्थानीय लोग यहाँ आते थे और उनको यात्रा दी जाती थी, दबा दब यह जाता था, मारपीट। सन्यात सेन कौन था? चीन का एक महान नेता था। महामंदी का 1930 के दशक में वियतनाम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा था? 1930 के दशक में वियतनाम पर प्रभाव नहीं पड़ा पूछा है दोस्तों, जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, यही प्रभाव नहीं पड़ा था। चावल और रबड़ की कीमतें गिरी थी, बेरोजगारी में वृद्धि हुई थी, ग्रामीण विद्रोहियों का बोलबाला था, ये सब भी हुआ था, लेकिन जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था ये नहीं था। हो ची मिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सही नहीं है, विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिणी वियतनाम में सत्ता संभाली, ये सही नहीं है। वियतनाम की चरंग बहनों के विषय में कौन सा कथन फिर से सही नहीं है? चरंग बहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी, ये सही नहीं है। इंडो चाइना कौन से वियतनाम लाओस को मुझे याद रखेगा। संरचनात्मक परियोजनाएं क्या होती है? ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार हो, अर्थव्यवस्था क्या तैयार हो, ढांचा तैयार हो, उन्हें संरचनात्मक परियोजनाएं कहते हैं। और 1930 में वियतनाम की मंदी पर क्या प्रभाव पड़ा था? जब भी कभी महामंदी आती है, मंदी आती है तो हर चीज़ों के दाम गिर जाते हैं, किसानों पर बोझ पड़ जाने लगता है, कर्जा बढ़ता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है। कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी देश का, आप यही लिख सकते हैं। वियतनाम की ललपाती चिंगारी किसे कहा जाता है, क्यों? नहो अल और हाँ तीन प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण लपल पाती चिंगारी कहा जाता है। नहो अल और अहा तिन। एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया? एक ऐसा जहर जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधे मर जाते हैं, ने जिन जर्मों में रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि वे वियतनामों के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे। समझिए, एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसका छिड़काव पेड़ों की पत्तियों पर किया जाता था, फलता पेड़ मर ही जाते थे। उपनिवेशों को स्थापित समाजवादी देश की भलाई के लिए। संन्यास से बता चुके हैं, चीन के एक महान नेता थे। कन्फ्यूशियस कौन थे? एक चीनी दार्शनिक था। 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी फैली थी? ब्यूबोनिक प्लेग, याद रखिएगा दोस्तों, ब्यूबोनिक प्लेग। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार ना दिए जाए, उनके शर्तों के अनुसार काम ना कर पाने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर देते थे और उन्हें सजा देते थे और जेलों में डाल देते थे। ऐसे इसे को ही एक तरफा अनुबंध कहा गया। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद टकराव क्यों होने लगा था? क्योंकि जो लोग कब्जा करते हैं अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या फ्रांसीसियों का दबाव सबसे ज़्यादा सैनिक और आर्थिक मामलों में था?
उन्होंने वियतनामी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश की। देखिए आप कहीं भी राज कीजिए, वहाँ की जो संस्कृति है उसको नष्ट मत कीजिए, ज़रा दबाव मत डालिए। और अगर फ्रांसीसी उनके वर्चस्व का एहसास करने वाली हर चीज़ के खिलाफ वियतनाम के लोगों ने विरोध किया। यहाँ से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज बढ़ गए। वियतनाम की संपदा का शोषण करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रांसीसियों ने क्या कदम उठाए? फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए नहर बनवाई, जल निकासी का प्रबंध करवाया, लोगों को जबरन काम पर लगाया और चावल के उत्पादन में वृद्धि की, संसार का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनाया। और फ्रांसीसियों ने संरचनात्मक परियोजनाओं का निर्माण क्यों कैसे किया? उन्हें वस्तुओं के आवागमन आने जाने के लिए, फौजी टुकड़ों की आवाजाही के लिए, पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए विशाल रेल नेटवर्क का निर्माण करवाया। उत्तरी दक्षिणी भागों को जोड़ा वियतनाम के रेल लाइनों के जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेह के रास्ते होते हुए वियतनाम को श्याम देश से जोड़ दिया। श्याम किसका पुराना नाम बताइएगा? थाईलैंड का। और फ्रांसीसी व्यवसायियों द्वारा कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। वियतनाम के बंटवारे से पूरा जो देश युद्ध के मोर्चे में तब्दील हो गया रह गया। तंग कीजिए अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही हुई। तत्ता प्लेट में बायोडाई को गद्दी से हटाया गया। डीएम की अगुवाई में एक और निरंकुश शासन की स्थापना हुई। तानाशाही के खिलाफ एनएलएफ की स्थापना हुई। एनएलएफ याद रखिएगा, इसने हो ची मिन के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से देश के एकीकरण के आवाज उठाई। उन संरचनात्मक परियोजनाओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने फ्रांसीसी वियतनाम में विकसित किया बनवाई। तीसरा देख सकते हैं, यही वही है। उपनिवेशों का विकास करना क्यों जरूरी था? कोई भी देश ने कहीं पर भी अपना उपनिवेश स्थापित किया हो, उसका इसी कारण से ही वो विकास करते थे, चाहे वो फ्रांसीसी हों, चाहे डच हों, चाहे अंग्रेज हों, चाहे कोई भी हो। उपनिवेशों का विकास गुलाम देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए होता था। विकास जरूरी है जिससे मुनाफा कमाया जाता था। जीवन स्तर बेहतर होगा तो ज़्यादा चीज़ें खरीदते थे, बाजार फैलेगा तो व्यापारियों को फायदा होगा, इसीलिए करते थे वो। फ्रांसीसियों की शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए। टोकन फ्री स्कूल क्यों खोले? शिक्षा किस हद तक दी जाए, किस भाषा में दी जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। धनी वर्ग चीनी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा था। परंपरागत शिक्षा को तहस नहस किया गया। फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोले गए। फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का दबाव नीति निर्माताओं द्वारा किया गया। उसका विचार था कि छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए। किताबों में फ्रांसीसियों और उपनिवेशक शासन का गुणगान किया गया। वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया गया, बौद्धिक कार्य के लायक नहीं। इंडिया में वैसे ही किया गया। 1907 में पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए टोकन फ्री स्कूल खोला गया। स्कूल छात्रों को पश्चिमी शैली को अपनाने के लिए उकसाया गया। विद्यार्थियों को जान उसका फेल करना ताकि वह अच्छी नौकरियों की योग्यता प्राप्त ना कर सके। यही सब चला अपने देश में चला। उद्देश्य क्या था? वियतनामों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा देना चाहते थे। विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषा, साहित्य शामिल थे। कक्षाएँ शाम को लगती थी और इनके लिए फीस अलग देनी होती थी। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। चीन में शुरू हुए पूर्व की ओर चलो आंदोलन की क्या विशेषताएँ थी? पूर्व की ओर चलो आंदोलन 20वीं सदी में चीन में शुरू हुआ। 300 वियतनामी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने जापान गए थे और वियतनाम से फ्रांसीसियों को निकाला गया। जापान से हथियार व समर्थन की मांग हुई। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटियों की स्थापना की। महिलाओं की क्या भूमिका थी वियतनाम में? 1960 के दशक में पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती हुई औरतों की तस्वीर छपी। योद्धाओं के रूप में नहीं बल्कि कामगारों के रूप में पेश किया गया। बूढ़िया जवान औरतों को निस्वार्थ भाव से देश से की रक्षा करते दिखाया गया। हो ची मिन मार्ग के चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस मार्ग पर सड़कों का एक बड़ा जाल है जो पड़ोसी देशों से जोड़ता था। फुटपाथों और सड़कों के विशाल नेटवर्क जो थे के माध्यम से सैनिक रसद सामग्री, खाने पीने की सामग्री भेजी जाती थी।
मार्गों पर छोटे छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल बनाए गए थे और माल ढुलाई का काम कुली जो करते थे। प्लेग की जो बीमारी आई थी 1902 में, वो फ्रांसीसियों ने उसके लिए कैम से कदम उठाया रोकने के। चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई, चूहों के बदले इनाम दिया गया। इनाम के चक्कर में चूहे पकड़े गए और छोड़े गए। हनोई नगर में सफाई अभियान चालू हुआ। यही है इंडो चाइना में थोड़ा लघु उत्तरी में औपनिवेशिक वर्चस्व और उसके खिलाफ उत्पन्न प्रतिरोध के फलस्वरूप कई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वियतनाम को उदाहरण देकर अपने विचार प्रकट कीजिए। वही है जो बस जगह समय बदला हुआ है, देश बदले हुए हैं, उसके शासक बदले हुए हैं, लेकिन मेन मोटो मेन चीज किस कारण से हुआ सब सेम है। देखिए उपनिवेशिक नियंत्रण के द्वारा ताकतवर देश अधीन देश का राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण करता था। सही बात है, सभी लोग उसका विरोध करते थे, सामूहिक एकता पैदा होती थी। उदाहरण वियतनाम देख लीजिए, यहाँ फ्रांस के नियंत्रण में उनके सांस्कृतिक जीवन को तहस नहस किया गया। आर्थिक शोषण और राजनीतिक नियंत्रण ने लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ पैदा की। लोगों ने विरोध करते हुए जमकर संघर्ष किया और यहीं से वियतनाम राष्ट्रवाद का नहीं पड़ा। इस प्रकार के सभी देशों में यही किसी प्रकार से किया गया है। दोस्तों हमारे साथ आप चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के बने रहे। वियतनाम के बारे में आपने हमारे साथ पढ़ाई की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।